हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा अग्रवाल, फैशन डिजाइनर एंड स्टाइल कंसल्टेंट। आज का वीडियो ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे मेरी इस जर्नी के बारे में पूछा है कि एक फैशन डिजाइनर से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। तो आइए, मैं आज इस वीडियो में आपसे यही शेयर करने वाली हूँ। I am successfully and solely running a designer store named Muklava, which is situated in Raipur, Mahalakshmi Market. From my early stage, I have been fascinated by fashion and I had a strong desire to do something new, something myself, something novel. और इसीलिए मैंने अपनी शादी के बाद NIFD नागपुर से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। My journey took a further step when I finally opened 3000 square feet garment showroom with 3 floors. I did what I love and I love what I did. मेरी इस जर्नी में काफ़ी मुश्किलें आई, बट निगाहों में मंजिल साफ थी। बार बार गिरे मगर गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिशें तो बहुत की मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ पैशन एंड विजुअलाइजेशन। फैशन डिजाइनर एक स्किल बेस्ड प्रोफेशन है और एक फैशन डिजाइनर को विजुअलाइज़ करना बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। जैसे कि कुम्हार अपनी मिट्टी में ही अपने घड़े को देख लेता है, इसी तरह फैशन डिजाइनर को एक गारमेंट देखते ही समझ में आना चाहिए कि वह बनने के बाद कैसा दिखने वाला है। तो विजुअलाइजेशन स्किल उसकी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। उसमें अपने काम का एक जुनून होना चाहिए। यदि मैं अपने पास्ट के डॉट्स को कनेक्ट करती हूँ, तो बचपन से ही मुझे स्टिचिंग के पैटर्न्स को जानने का, एम्ब्रॉयडरी की बारीकियों को समझने का और ड्रेपिंग के सारे स्टाइल्स को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। तो यदि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, तो इस जर्नी में आप ज़रूर ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। किसी ने बहुत खूब कहा है, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो एक स्ट्रांग डिज़ायर आप में हो अपने पैशन को फॉलो करने की, इस प्रोफेशन में आगे सक्सेसफुल होने की, तो आप डेफिनेटली इस फील्ड में आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ डीप नॉलेज ऑफ द फील्ड। डिज़ाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें एक डिज़ाइनर की यूनिकनेस उसकी उस डिज़ाइन की डिटेलिंग पर डिपेंड करती है। आपको न केवल कलर, टेक्सचर या फिर स्टिचिंग की बारीकियां जाननी चाहिए, बल्कि एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग और बहुत सारी चीज़ों को क्रिएटिव तरीके से अपनी डिज़ाइन में पुट करने का आइडिया यदि आपको है, आप डिटेलिंग के सेंस को समझते हैं, तो आपका गारमेंट एक यूनिक गारमेंट बन सकता है और आप उस डिटेलिंग के बेस पर एक सक्सेसफुल डिज़ाइनर बन सकते हैं। अपने फील्ड में बहुत ही डीप नॉलेज की नीड होती है और इसके लिए आपको कंटिन्यूस मीडिया के या फिर जो भी फैशन मैगजीन्स हैं इसके टच में रहना चाहिए, ताकि आप अपडेटेड रहें और अपनी फील्ड के डीप नॉलेज पर कंटिन्यूस एक्सप्लोर करते रहें, रिसर्च करते रहें। थर्ड पॉइंट इज़ हार्डवर्क एंड क्रिएटिविटी। हार्डवर्क का कोई दूसरा ऑल्टरनेट है ही नहीं। यदि आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको कंटिन्यूस हार्डवर्क करना होगा। हार्डवर्क एक मेहनत एक सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट फिर भी ख़राब हो सकती है, बट मेहनत हमेशा आपको ऊंचाइयों की ओर लेकर जाती है। तो हार्डवर्क करते रहना है आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड और अपने आप को क्रिएटिव रखना है। एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग या कुछ नया करने की चाह ही एक डिज़ाइनर को सक्सेसफुल बनाता है। मार्केट में बहुत सारे डिज़ाइनर हैं, लोग आपसे ही क्यों खरीदेंगे? तो इस चीज़ को आप तभी अपने आप में यूनिकनेस ला सकते हैं जब कंटिन्यूस आप है और कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं और बदलते ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आप मार्केट में कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं। सो क्रिएटिविटी इज़ द मैंडेटरी थिंग फॉर अ सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर। फोर्थ पॉइंट इज बिजनेस सेंस। डिज़ाइनर का काम केवल डिज़ाइन क्रिएट करना ही नहीं, बल्कि उसे सेल करना या कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोवाइड करना भी होता है। तो इसके लिए उसे बिजनेस सेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। उसे कैलकुलेट करना आना चाहिए कि किसी भी डिज़ाइन को एग्जीक्यूट करने में क्या मटेरियल लगने वाला है, उस प्रोसेस में क्या खर्च होने वाले हैं और उसके बाद उसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड करके एक अफोर्डेबल प्राइस जो कि कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर सके, ऐसा निकालना, उसे कैलकुलेट करना आना चाहिए। भले ही डिज़ाइनिंग में आपकी मास्टरी हो, बट रनिंग अ सक्सेसफुल डिज़ाइनर स्टोर इज़ मोर देन दैट। बिजनेस, डूइंग अ बिजनेस इज़ टोटली अ डिफरेंट फिनोमेना। इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, अकाउंट, टैक्सेशन, HR, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एवरीथिंग यू हैव टू डू एक कंप्लीट बिजनेस में। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, मशीनरी, सैलरी, सारी चीज़ें आपको इसी बिजनेस से निकालनी होती है। तो आपको ये सब चीज़ों का कैलकुलेशन करना आना चाहिए, इन्हें मैनेज करना आना चाहिए। डेफिनेटली इसके लिए आपको एक सर्टन अमाउंट
इन्वेस्ट करना होगा और आपको एक टीम बिल्डिंग भी करनी होगी, तभी आप सक्सेसफुली बिजनेस रन कर सकते हैं। बट आई कैन डेफिनेटली से कि व्हेन यू डू इट यू कम टू नो अबाउट इट। आप जब पैशनेटली किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ ट्यून टू अपकमिंग फैशन ट्रेंड्स। आपको मार्केट में क्या फैशन ट्रेंड चल रहा है इसके लिए काफ़ी अवेयर रहना है। इसके लिए आपको फैशन मैगजीन्स पढ़ना है, आपको पिंटरेस्ट जैसे ऐप्स फॉलो करने हैं। फैशन हमेशा साइक्लिक होता है या हमेशा पलट कर आता है। जो अभी चल रहा है वह हमेशा नहीं चलेगा और जो पहले चल चुका है वह फिर वापस आ सकता है। तो आपको हमेशा एक्सप्लोर करते रहना है कि क्या ट्रेंड क्या मार्केट में चलने वाला है। एग्जाम्पल यदि मैं लूँ कि आजकल की जनरेशन को साड़ी पहनना बहुत ही टफ लगता है, तो इसी वजह से ड्रेप साड़ियों का एक कल्चर आया है। सोसाइटी की डिमांड और अब उनके एक्सेप्टेंस के बेस पर आपको अपनी डिजाइनिंग सेंस को मर्ज करना है और तभी अब एक क्रिएटिव डिज़ाइन लेकर आपको मार्केट में आना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइट गाइडेंस टू योर कस्टमर। इस फैशन फील्ड में आपको हमेशा एक स्टाइल कंसल्टेंट या कोच की तरह अपने क्लाइंट्स को गाइड करते जाना है। आपको केवल कपड़े डिज़ाइन नहीं करने बल्कि क्लाइंट्स को एक करेक्ट सजेशन भी देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मोस्टली क्लाइंट्स खुद ही एक्सप्लोर करके अपनी गाउन्स लहंगे साड़ीज़ की पिक्स लेकर आते हैं, बट उन्हें यह पता नहीं होता कि उनके बॉडी टाइप या फिर उनके कलर कॉम्बिनेशन बॉडी फिजिक के अकॉर्डिंग यह गारमेंट उन पर सूट करेगा या नहीं। एज ए डिज़ाइनर आपका काम है कि आप उनको प्रॉपर गाइड करें कि यह पैटर्न आपके ऊपर कितना परफेक्ट लगेगा और उसके अकॉर्डिंग ही उनको राइट सजेशंस दें। यदि आप सजेशंस राइट देते हैं आपका कस्टमर हाईली सेटिस्फाई होता है तो वो आपको ज़्यादा पे करने के लिए भी रेडी हो जाता है और आपको बहुत सारे और भी कस्टमर्स वो रिकमेंड भी करता है। आपको हमेशा कस्टमर की एग्जैक्ट नीड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया या उसके बजट के अकॉर्डिंग ही अपने ड्रेसेस डिज़ाइन करनी चाहिए, तभी आप उसके उस पर अपना एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे और वह आपको हमेशा पे करने के लिए रेडी होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कम्युनिकेशन पावर। आप ये फैशन डिजाइनिंग का जो काम है इसमें एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कंटिन्यूस अपने सप्लायर्स से, वेंडर्स से, क्लाइंट से और अपने मास्टर्स, टेलर्स, एम्ब्रॉयडर सबसे कांटेक्ट में रहना पड़ता है। जहां एक और आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के साथ अपनी टीम से, अपने मास्टर से, अपने एम्ब्रॉयडर से काम निकलवाना होता है, वहीं दूसरी ओर आपको कस्टमर को भी अपनी डिज़ाइनिंग के लिए कन्विंस करना होता है। और इसीलिए इसके लिए गुड कम्युनिकेशन स्किल होना आप में बहुत बहुत ज़रूरी है। एक फैशन डिजाइनर की कम्युनिकेशन स्किल उसके सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉन्फिडेंस। सिर्फ पंख ही काफ़ी नहीं अरमानों के लिए, हौसला भी तो चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। हौसला यानी कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है एक सक्सेसफुल करियर के लिए। और ये कॉन्फिडेंस दो चीज़ों से आता है, पहला आपका डीप नॉलेज और दूसरा आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो अपनी फील्ड में कंटिन्यूस रिसर्च करते रहिए, एक फैशन के टच में रहिए, तभी आप उस फील्ड में सारी डिटेलिंग्स को जान पाएंगे। और वो जो कॉन्फिडेंस आता है वो जब आप कस्टमर से डील करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अपनी फील्ड के बारे में पूरा डीप नॉलेज रखना, उसके बाद आपको उसमें कंटिन्यूस रिसर्च करते रहना है, और जब प्रैक्टिकल फील्ड में आप डे टू डे में डेली मेहनत करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आप में एड ऑन होता ही चला जाता है। आपको कॉन्फिडेंटली अपनी स्टाइल सेंस पर न केवल फुल्ली ट्रस्ट करना है बल्कि डे टू डे उसे अपग्रेड भी करते जाना है, तभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप इस फील्ड में सबसे आगे रह पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ परसिस्टेंस। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने सुना ही होगा कि जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उसे जुटाने में हमारे साथ लग जाती है। जो लोग मंजिलों की चाहत रखते हैं तो वह समंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। तो नेवर एवर गिव अप। यदि आपने डिसाइड किया है कि आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है और आप इस जर्नी पर चल चुके हैं, तो बिल्कुल भी आप अपने दिमाग में यह विचार मत आने दीजिए कि मैंने यह शौक स्टार्ट किया है या फिर मैं एक बार कर देख रही हूँ। यदि आप इस तरह के डायलॉग्स बोलते हैं तो आपके दिमाग को यह सिग्नल मिल जाता है कि यदि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे तो आप बैक कर सकते हैं। और फिर अधिकांश लोग ऐसे समय पर आकर दम तोड़ देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो, लेकिन ऐसे समय पर आकर वो हताश हो जाते हैं जब मंजिल उनके बहुत करीब होती है। सो नेवर एवर गिव अप। आप कंटिन्यूस एफर्ट डालते रहिए, रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। टू कंक्लूड आई कैन से इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट डिज़ाइनर। हम डिज़ाइनर ही हैं जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से लोगों के ओकेशन को, लोगों के ड्रेसेस को, लोगों की पर्सनालिटी को चार चांद लगा देते हैं।
सो प्राउड ऑफ बीइंग डिज़ाइनर। और यदि आपको इस फैशन जर्नी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर बताइएगा। नीचे एक बेल आइकॉन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। गुड लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फैशन जर्नी। थैंक यू, बाय बाय।